हाँ भाई, क्या चिल्ला? वो तो वही बताऊंगा क्योंकि तीन चार ही चीजें चल रही हैं। पहले तो चल रहा है डिवोर्स, जो मैं ज्ञानी पे करके आया हूँ। अरे फ्लाइंग बीस्ट और रितु भाभी का, उसके डिवोर्स की अफवाह चल रही है। फिर चल रहा है प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के बारे में हम इधर बात करेंगे। फिर चल रहा है आईफा, आईफा ही है ना, IIFA जो भी है, उसमें हनी सिंह बादशाह का भाईचारा हो गया। लोग कह रहे ड्रामा खत्म हो गया। मैं कहा ऐसे कैसे खत्म हो गया? इंदी पक्षी फालतू आदमी है, हैं? विल्ला डायमंड्स के पास जो हर जगह जाके इंटरव्यू दे रहा है वो। बात तो सही है। फिर चल रहा है टैक्सेशन पे, ताई को केस कर दिया, FIR दर्ज करने के लिए बोला है, तो ताई रो गई। और फिर क्या चल रहा है? और भी दो तीन छोटी मोटी चीजें हैं, सबके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले एक शायरी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि डिवोर्स को मैं यहाँ पे भी मिल करने वाला हूँ। अरे तुम लोग पीछे पड़े रहे भाई, शादी कर ले। अभी समझ में क्यों नहीं करता भाई? फालतू नहीं हूँ मैं, दिमाग पेला हुआ मैंने। जे बॉय भाई, लड़के ही नहीं मिले। ऐसी लड़कियां लेके करना क्या मेरे को है? भाई सात जन्मों का रिश्ता होता है शादी, सात जन्मों का। मैं कहा एक जन्म तो निभाओ, आज की दुनिया में सात जन्म के वादे छोड़, तू एक का वादा कर, वो भी नहीं निभल रहा। भाई सब वफा चाहिए होगी ना, तो कुत्ता पाल लेना। बट ये गलत फहमी मत पालना कि ये सात जन्मों का रिश्ता होता है शादी। प्यार को मानते नहीं शादी में, सात जन्म नहीं भाई, एक जन्म। मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी पढ़ा है, मैं 10-12 साल पहले ट्वीट किया था कि जब मैं छोटा बच्चा था मैं हमेशा बड़ा होना चाहता था। बड़े हो क्या समझ में आके ये टट्टी नहीं चाहिए मुझे जिंदगी में। अरे मैं आज अपनी बंदी को, मैं अपनी बंदी को नहीं मतलब थी एक टाइम पे, अब नहीं है पता नहीं क्यों, मैं उसको हेलो बोला। मेरे को बात करना आता नहीं है, मतलब शुरुआत करना नहीं आता, पार्टिसिपेट कर सकता हूँ मैं। वहाँ सामने से हेलो, मैं कहा सब बढ़िया? कह दी सब बढ़िया, आप बताओ? मैं कहा मेरा भी बढ़िया, बात करता हूँ। अरे मैं मैसेज करता नहीं, मैं किया तो समझने का ना, नहीं तो इसी बात पर दो लाइनें अर्ज करता हूँ। तो अर्ज किया है कि यूं ही चलेगा तेरा मेरा रिश्ता उम्र भर, यूं ही चलेगा तेरा मेरा रिश्ता उम्र भर, मिल गए तो बातें लंबी और ना मिले तो यादें लंबी। डूबा रहूं सदा तेरे ख्यालों में। ये कौन सी मूवी का सॉन्ग है भाई? मेरा तो जोक नहीं आया, गाना याद आ गया। कुछ भी कुछ भी। हाँ तो जिनको पता है ज्ञानी पे जाके देख लेना, वो फ्लाइंग बेस की वीडियो में पहले डालूंगा आज। हाँ तो उनका डिवोर्स की खबर आ रही है, कंफर्म कुछ भी नहीं है। बेसिकली लोग कह रहे चीट किया है, चीट वीट का कोई कंफर्मेशन नहीं है। दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्योंकि भाभी ने बोला है अपमान मिला है, छलावा मिला है, झूठ बोला है, जो भी है। चीटिंग के बहुत सारे लेवल होते हैं, वो सब सब है मैंने उस वीडियो में। दूसरा है प्लेग्राउंड। भाई साहब मानो या ना मानो मजा आया, देखा नहीं है मैंने, देखा बिल्कुल नहीं है। प्लेग्राउंड की क्लिपिंग आ रखी है, पूरा ट्विटर घिनाया पड़ा है। पहले मेरे को लग रहा था ये मेरे साथ ही है क्योंकि मैं मुनव्वर और एल्विश का फॉलो करता रहता हूँ, पता चला सबके साथ हो रहा है। लोगों ने ट्वीट किया कि भाई ये रितु राठी गौरत नेजा और ये प्लेग्राउंड सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। मैं कहा नहीं, हम सबके साथ हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई क्या हुतिया आदमी है यार वो बंदा, बे मतलब एक जोक होता है, जोक रोस्टिंग फॉर्मेट है, इंसल्ट कॉमेडी है, इंसल्ट अलग चीज है, उसमें जोक डालना होता है। इंसल्ट में आप किसी भी हद तक जा सकते हो, जोक में आप किसी हद तक जा सकते हो, बट बदतमीजी नहीं कर सकते। चलो तुम शो पे आके बदतमीजी कर रहे हो, और कितने बड़े सी हो आप, जब आपसे पूछा जा रहा है कि लड़ाई हुई थी, कह रहे लड़ाई तो नहीं हुई, फिर क्या हुआ था? अरे गुद्दी पकड़ ली थी, पक्का उड़ा। लड़ाई हुई है, मार खाई तूने? मार वार खाई नहीं, उन्होंने बस गुद्दी पकड़ी थी मेरी। और भाई रिस्पेक्ट है एल्विश यादव की, इतना तो प्रोफेशनल रहा वो कि जब ये मुनव्वर फारूकी के साथ बदतमीजी कर रहा था हरामी, वो बंदा हंसा नहीं। इवन जाते वक्त भी उसको एडवाइस देके भेजा उसने, मैंने एक सेकंड नहीं देखा एपिसोड का। सब पता मुझे कॉन्टेस्ट में क्या हुआ है। जिनको क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और जितनी भी क्लिपिंग है मोस्टली मेरे पास मुनव्वर की क्लिपिंग आई है, बट दो तीन क्लिप मैंने देखा है जहां पे मैं लेजिट बोलना चाहूंगा कि रिस्पेक्ट है भाई एल्विश यादव के प्रोफेशनल होने पे, क्योंकि वो बंदा अगर जो कर रहा है शो में जोक्स जो कर रहा है या जो भी कर रहा है वो, तो वो लेना भी जानता है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है, खुल के पार्टिसिपेट कर रहा है, और मजा आ रहा है उसको देख के। मतलब मैं फॉलो नहीं करता यूट्यूब पे उसको, बट अभी जो देखने को मिला है, मतलब फॉर एग्जांपल उस वो जोक ले रहा है, बोल रहा है रोज करो तो रोज करो, तो उसका स्नेक मैनम केस है उस पर जोक हो रहा है वो ले रहा है, लोग भले ही मतलब मुनव्वर की जनता साइड से आ रहा है कि हाँ ये देखा देखो ये स्नेक भाई क्या कहते हैं, सपोर्टिंगली लेना वो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और स्पेशली जब तुम जजेस बने हुए हो और तुम जब सामने की डिसरिस्पेक्ट हो रही तो वहाँ पे भी प्रोफेशनल दिखा रहे हो,
और कोई तुमसे बोल रहा है मस्ती मजाक करने के लिए, तो वो भी तुम कर रहे हो। मतलब एक मैंने क्लिप देखी जहाँ पे वो नागिन डांस होना था, इस पे ये बना रखा है। ये। मुझे अननेसेसरी लगा कि अननेसेसरी टारगेट करना गलत बात है, क्योंकि अभी जेल वाली बात आई थी तो एल्विश भी उस पर हंस नहीं रहा था, वो कॉमेडी थी भी नहीं, बट जेल गया है। और जब जेल वाली बात आती है वो खुद बोलते हैं कि भाई मैं तो दुआ करता हूँ कि किसी को वो दिन ना देखना पड़े, तो वो एक पॉजिटिव साइड है। भले पास की जो बातें थी वो अलग है, वो उसका वीडियो का कंटेंट था, बट एज एन ह्यूमन जो इंसान है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और स्पेशली ये जो क्लिपिंग्स मैंने देखी है प्लेग्राउंड की, तो लेट मी नो तुमने देखी है तो तुम्हें कैसा लगा है। बाकी तो मजाक मस्ती चल रही है, शायद मैं देख लूँ, चाहे यार मैं देख लूँ, अभी मैंने देखा नहीं है। आगे है क्या, लोग कह रहे शूटिंग चल रही है, फिर इतनी क्लिपिंग कैसे आ गई, आगे तो बताना, फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं बताऊँगा क्या हुआ है, क्या पसंद आया क्या नहीं आया, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ देखने डार्क स्पून। अरे 3 दिन आता ना तो आज छोटा वाला एपिसोड आता है, तो आज आखिरी वो है, तो मैं 3 एपिसोड एक साथ में खत्म कर दूंगा। भाई कल मैंने देखी ताज़ा खबर, मजा आ गया भाई, मजा। मैं तो हिरण के थिएटर में देखा, क्योंकि मेरे को प्रीमियर में बुलाया नहीं, मैं देख के बैठा, मेरे को बड़े अच्छा लगा। मैं जेन्युइनली स्टोरी लाइन सीजन 1 से बेटर है, डायलॉग्स, कुछ डायलॉग बहुत सही है, हार्ड हिटिंग एक्शन किया भाई ने इसमें बेटर। और मैं जो इम्प्रेस हुआ हूँ वो है कास्टिंग से, भाई नॉस्टैल्जिया हिट हो जाएगा तुम्हें। जावेद जाफरी तो था पता है मुझे, महेश मांजरेकर को लिमिटेड रोल दिया, बट ठीक है। इसके अलावा भाई 2-3 चेहरे ऐसे हैं ना जिनको टीवी शोज में देखे हैं या पास में मूवीज में देखे हुए हमने, वो ये भाई लिटिल मैं भाई इसको भी ले आया, ये भी है, मजा आया, इमोशन भी है, ह्यूमर भी है, मतलब ताज़ा खबर सीजन 1 मेरे को तो कहीं ना कहीं पे वीकनेस काफी लगी थी उसमें, इसमें भी है थोड़ी बहुत, बट ओवरऑल सीजन 1 से बहुत बेटर बनाया इसको, बहुत ज्यादा बेटर मेरे हिसाब से। लेट मिनो तुम क्या सोचते हो, बट जब मैं ये सब देख के गया ना तो मुझे दिखा भुवन की क्लिप, कहता यार देखो पायरेसी में मत कर, पायरेसी में मत देखो, 300 लोगों की मेहनत खराब जाती है। मैं कहा ये पहले बोलना था, मैं तो देख लिया अब। फिर बोल रहा कि भाई बाय कर लो, मैं बाय कर लेता भुवन भाई, मैं कर लेता जेन्युइनली करता, पर प्रॉब्लम यह कि साला मंथली प्रोग्राम नहीं है उनका, 3 महीने के 300 रुपये क्यों दूं मैं, साला जियो 30 रुपये का आता है, 90 रुपये 3 महीने, समझ रहे हो तुम, 90 रुपये और 300 रुपये डिफरेंस समझ में आ रहा तुम्हें, चिकन ऑर्डर हो जाएगा मेरा, चिकन लॉलीपॉप। अबे साले, और मैं लिजिट बाय कर लेता, बट वो मंथली सब्सक्रिप्शन तो देंगे नहीं, और सिर्फ एक चीज देखने के लिए नहीं करूंगा, क्योंकि हॉटस्टार में जितनी भी चीजें अवेलेबल है मैंने देख मारी है, सीजन 1 से बहुत टाइम मैंने बाय करके रखा है यार। अभी मैं सिर्फ जियो पे हूँ, जियो सिनेमा, अमेजन प्राइम, जियो मेरा है, प्राइम भाई का है, मतलब नेट के साथ मिला है, एयरटेल के साथ, और उससे भी ज्यादा टाइम मैं स्पेंड करता हूँ यूट्यूब पे, यूट्यूब पे मस्त चल रहा है भाई, सब अवेलेबल है, भूत प्रेत आत्मा जिन सब, पॉडकास्ट कॉमेडी सब, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इसके अलावा क्या, इसके अलावा हनी सिंह, तो अभी अवार्ड फंक्शन चल रहा है आईफा IIFA, तो उसमें हनी पाजी गए, तो हनी पाजी गया, हनी सिंह गया, तो हनी सिंह से रेड कार्पेट पूछ लिया, अरे बादशाह भी आया भाई, बहुत मजेदार बात है, वो भी देखेंगे जरा, आपके बारे में बात की थी, कह रहे थे कि मजा आएगा कल हनी पाजी सर बैठेंगे तो हम भी बैठेंगे। पाजी का ये रिएक्शन देख बैठेंगे, मैं अच्छी बात है बैठो। उसके बाद मेरे को क्लिप मिल गई, या फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। मैं कह ये कि मुझे नहीं, हनी सिंह को भेजो, साला कोई हाथापाई की खबर तो आए, वो मसाला मिलेगा मेरे को। लोग कहते बादशाह का चमचा, अरे मेरे को किसी का चमचा नहीं है, मेरे को मजा चाहिए लाइफ में, ड्रामा चाहिए मुझे, मेरे को घर में रोटी चाहिए, ड्रामा चाहिए, अपने घर में नहीं दूसरों के घर में। फिर स्टेज में सिद्धांत चतुर्वेदी ने कह दिया आप बॉस हो रैप के बॉस, म्यूजिक का बॉस है वो बस। तो उसमें कहते नहीं नहीं मैं राजा नहीं हूं, मैं बॉस नहीं हूं, मैं एम्परर। ये जो माल फूकते हैं ना बबीता डायन वाला, दूर रखो मेरे को, या मेरे को भी दिलवा दो। अबे लेजेंड यार, एम्परर ग्लोरी के लिए रट्टा मरवा दिया, BRD में हर जगह मारते रहोगे, हो गया ना, हिट हो गई एल्बम, खत्म बात। आएंगे अभी सियारे चमचा का, अबे भगोड़े मैं तो चल व्यूज मिलेंगे, एड्स आएंगे, पैसे बन जाएंगे मेरे, इस पर तो नहीं बनेंगे, डिमोनेटाइज हो जाएगी ये वीडियो। पर तुझे क्या मिल रहा है, तू साले आईने में खड़ा होके बोले ना ज्ञानी चमचा है, तो तू क्या कर रहा है, तू तो अपोजिट साइड में कर रहा है ना, तो तू भी तो वही कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। भाई साहब इंडिया में मेरे को सबसे फनी चीज लगती है कि इंसल्ट करने के लिए नहीं मिलता, जबकि इंसल्ट हमारी बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छा बेइज्जत कर सकते हैं। टकले, अरे तेरे को सबसे बेसिक चीज वही मिली है, टकले कुछ तो क्रिएटिविटी दिखा, चमचा है क्यों, क्योंकि तूने मेरे फेवरेट के अगेंस्ट वाले बंदे को सपोर्ट किया, कुछ नया लेके आया यार, तुम में दम नहीं है, तुम में वो बात ही नहीं है। सही कहा है, उसने गेम क्रैक की और कुछ लोगों को
तुम्हारी बात हो रही थी साला, कुछ ढंग का कमबैक दो यार। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अभी मैं स्त्री जो देख रहा हूँ। हाँ कल रात को देख, अबे 3-3.5 घंटे की है यार, ताजा खबर एक गो में। तो कल रात को देख नहीं पाया तो आज रात को खत्म करेंगे, बट पहले डार्क स्क्रोल देखेंगे फिर भूत खेलेंगे। हाँ तो आज के लिए बस इतना ही है, जिसको जो ड्रामा करना है करो, हक के जाया करो चैनल पे। मैं मेरे हगने से नहीं चलने वाला, तुम्हारे का भी हगना पड़ेगा। चलो लाइक कर देना, पीस आउट।